morning everyone. Welcome in my class. For today's chapter is unique world of living organism. Okay. Now we are going to discuss about a unique world of a living organism. Okay. And we already know about जो living organism है वो क्या करते हैं, कैसे एक दूसरे को follow करते हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्पेशलिटी के बारे में अपन जानते हैं। जैसे जो आर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हैं और स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ओके, डन। लाइकवाइज स्नीफर डॉग्स आल्सो हैव ए स्पेशलिटी। ओके, एंड वी नो अबाउट बैट आल्सो। ओके, गिनी वॉज गोइंग इन हर नेबरहुड। गिनी क्या कर रही थी, अपने नेबरहुड में जा रही थी, ठीक है, विद हर ब्रदर। ओके, विद हर ब्रदर, अपने ब्रदर के साथ में जो गिनी है वो क्या करती थी, अपने नेबरहुड में जा रही थी। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ हर ब्रदर, दिस इज दीपक। ठीक है, अपने ब्रदर दीपक के साथ में जो गिनी है वो कहाँ जा रही थी, अपने नेबरहुड में। ओके, गिनीज फुट गॉट हिट विद ए स्टॉक। तो जो उनका वे है, जो रास्ता है, उसमें क्या हुआ, गिनी का जो फुट है वो स्टोन से टकराए। सी सा दैट, और उसने देखा ए लार्ज ग्रुप ऑफ आंट्स, आंट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप वॉज अंडर हर फुट, कि उसके फुट के नीचे बहुत सारे जो एक्सट्रीम अमाउंट में जो आंट्स हैं उनको उसने देखा। डन, देन शी गोट नर्वस। ठीक है, फिर वो क्या हुई, उससे नर्वस हो गई एंड स्टार्टेड रनिंग अलोंग विद हर ब्रदर। ठीक है, और उसने क्या किया, अपने ब्रदर के साथ में उसने रनिंग करना स्टार्ट कर दिया। एट हर नेबर्स गेट, ठीक है, और फिर उसने देखा कि उनके जो नेबर्स का जो गेट है, ए डॉग वॉज टाइड, जो डॉग है वो क्या है, टाइड है, वहां पे बंधा हुआ है। ठीक है, पहले क्या किया उसने, जैसे ही वो रास्ते में जा रही थी तो क्या हुआ, पैर से उसके स्टोन टकराया। जब ये स्टोन टकराया तब क्या हुआ, बहुत सारी जो आर्ट्स हैं उनको उसने देखा, उसके उसका जो फुट है उसके नीचे आ गई। ठीक है, फिर उससे नर्वस होके, उससे डर के, फिर वो क्या करी, उसने रनिंग स्टार्ट कर दी। फिर रनिंग करने के बाद में जब वो नेबर से गेट पे पहुंची, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था कि एक जो डॉग है वो टाइट था, बंधा हुआ था। विच स्टार्टेड बार्किंग, और उसने क्या कर दिया, बार्किंग करना स्टार्ट कर दिया। दीपक टोल्ड हर दैट, और दीपक ने उससे बोला, ठीक है, इसने कहा, दीपक ने कहा किससे, गिनी से, द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, कि ये जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसको बार्क करते हैं, किसको भौंकते हैं, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं इनके लिए, जिनको वो जानते नहीं हैं, ठीक है, उनके उनको क्या करते हैं, ये बार्क करते हैं। एंड डजंट लेट देम कम इन, और उनको ये अंदर भी नहीं आने देते। ठीक है, ये जो डॉग होते हैं वो किसको बार्क करते हैं, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं इनके लिए, उनको ये बात करते हैं और इनको कम अंदर नहीं आने देता है। डन, एंड चिंकी एंड चिंटू वर और हैम विद जॉय इन प्लेइंग हाइड एंड शिक गेम। ठीक है, चिंकी एंड चिंटू जो है, ठीक है, ने क्या किया, और हैम, ओके, चिंकी एंड चिंटू जो है वो क्या कर रहे थे, वो हाइड एंड शिक गेम है वो प्ले कर रहे थे, और उसमें अच्छे से आराम से खोए हुए थे, मतलब उसको बहुत अच्छे से फुल इंजॉय कर रहे थे। ओके, जब वो ये प्ले कर रहे थे तो फुल इंजॉय कर रहे थे। ए 2 रुपी कॉइन ऑफ वन ऑफ देयर फ्रेंड फेल डाउन। ठीक है, फिर क्या हुआ, उनका जो फ्रेंड था, ओके, उनका जो फ्रेंड था, ठीक है, उसका 1 रुपीज का जो कॉइन है वो फॉल डाउन हो गया, गिर गया। ठीक है, देन All started searching for it, ठीक है, और सभी फिर क्या करने लग गए, इस कॉइन को सर्च करना, ढूंढना स्टार्ट कर दिया सभी ने। डन, नाउ बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड। ओके, बट किसी को भी, ओके, चीनी, सॉरी चिंकी एंड चिंटू वर ओवर हैम्ड विद जॉय इन प्लेइंग हाइड एंड सीक। चिंकी एंड चिंटू क्या कर रहे थे, प्ले कर रहे थे, ओके, और उनके फ्रेंड का भी क्या हो गया, जो कॉइन है 1 रुपीज का फॉल डाउन हो गया। देन उन सभी ने इतना अच्छे से, मतलब उसको सर्च किया, ढूंढने की कोशिश की, बट किसी को भी कॉइन है वो नहीं मिला। ओके,
वर नॉट एबल टू फाइंड इट, ठीक है, किसी को भी कॉइन नहीं मिला, बट बिकॉज इट वॉज डार्क, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, डार्क था, ओके, अंधेरा हो गया था, शाम को टाइम, अपने को पता है इवनिंग में आप अगर आप प्ले कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है, अगर कुछ भी हो जाता तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो उनका जो कॉइन है वो क्या हो गया, फॉल डाउन हो गया, खो गया, ठीक है, दे लॉस्टेड इट, ओके, एंड फिर उससे क्या हुआ, सभी ने सर्च किया, किसी को नहीं मिला, ठीक है, और क्यों नहीं मिला, बिकॉज इट वॉज डार्क, क्योंकि क्या था, अंधेरा था. सडनली चिंटू सा ए बैग फ्लाइंग फास्ट, ठीक है, और सडनली जो चिंटू है उसने क्या देखा, अचानक से कि एक जो क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है, ही सैड, और उसने बोला लुक, देखो द बैड इज लाइंग इजीली इन डार्क, ठीक है. अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि हमें तो जो कॉइन है वो ही नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो बैट है वो आराम से इजीली वो क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है, ठीक है. ये इतना इजीली फ्लाई कैसे कर सकती है, वाइल वी आर नॉट एबल टू फाइंड आवर कॉइन, जबकि अपने को तो क्या है, कॉइन नहीं मिल रहा है, और ये आराम से क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है इतने डार्क में भी. अपने को पता है अपन भी चल नहीं सकते, जब बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है तो अपन भी क्या होते हैं, चल नहीं सकते, ओके. बट जो बैट, अब अपने को पता है अपन भी किसी ने किसी चीज़ की क्या होते हैं, टकरा जाते हैं, ठीक है, बट ये जो बैट है वो टकरा नहीं रही है, आराम से फ्लाई कर रही है, ओके. देन चिंकी टोल्ड दैट, तो फिर क्या हुआ, चिंकी ने कहा द डिफरेंट लिविंग बींग्स हैव डिफरेंट कैपेसिटीज टू सी एंड टू वर्क, ठीक है. फिर चिंकी ने कहा कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, डिफरेंट कैपेसिटीज होती है उनकी टू सी एंड टू वर्क, वर्क करने की कैपेसिटी होती है उनकी, वो भी डिफरेंट होती है, ओके, और देखने की, सी करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी, जितने भी अपने ऑर्गेनिज्म उन सबकी डिफरेंट होती है. डन. नाउ बैट्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ मैमल्स, ओके, इसीलिए जो बैट है वो क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ मैमल्स है, मैमल्स में सेकेंड लार्जेस्ट कौन आता है, बैट, आफ्टर रोडेंट्स, रोडेंट्स के बाद में कौन, बैट ही आता है, जो क्या करता है, रिप्रेजेंटिंग अबाउट 20% ऑफ ऑल क्लासिफाइड मेमल्स, वो क्या करते हैं, 20% जो क्लासिफाइड मेमल्स होते हैं उनको, उनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, स्पीसीज वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड की जो स्पीसीज हैं, ठीक है, 20% जो स्पीसीज हैं उनको क्लासिफाइड करने में सेकेंड नंबर पे, लार्जेस्ट नंबर पे कौन आता है, बैट, अबाउट 1240 बैट स्पीसीज, ओके, 1240 बैट स्पीसीज जो हैं आर डिवाइडेड इनटू टू सब ऑर्डर, उनको टू सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया जाता है. द लार्जली फ्रूट ईटिंग मेगा बैट्स, जो लार्जली फ्रूट ईटिंग मेगा बैट्स हैं, और फ्लाइंग फॉक्सेज, और जो फ्लाइंग फॉक्सेज हैं, एंड द हाईली स्पेशलाइज्ड इको लोकेटिंग माइक्रो बैट्स, ठीक है, और इसमें हाईली स्पेशलाइज्ड इको लोकेटिंग माइक्रोब्स होते हैं. डन. नाउ शी वाई डू ब्रिंग सच फ्रूट्स इन टू द क्लास, क्लास में आपको क्या करना है, कुछ फ्रूट्स लेके आने हैं विच आर अवेलेबल अंडर पोषाहार योजना, जो आपको पोषाहार योजना में मिलते हैं. इफ पॉसिबल ब्रिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, और अगर पॉसिबल हो तो आपको डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स लेकर आना है. नाउ गिव द फ्रूट्स टू टू ब्लाइंड फोल्डेड स्टूडेंट्स टू स्मेल, ठीक है, किस क्या करना है अपने को, वो जो फ्रूट्स हैं उनको क्या करना है, ऐसे मतलब ऐसे स्टूडेंट को देना है जो देख नहीं सकता, या फिर आपको क्या करना है, उनकी जो आईज हैं उनको क्या करना है, उनको आपको कवर कर लेना है. फिर उनको क्या करना है, ये फ्रूट्स है वो उनको हैंड में देना है. आस्क देम टू आइडेंटिफाई, ओके, देन आपको क्या करना है, उनसे आस्क करना है द फ्रूट बाय स्मेलिंग, कि ये जो फ्रूट आपको दिया है इनको क्या करना है, आपको स्मेल करना है और आइडेंटिफाई करना है. रिपीट द सेम, और इसी तरह से ये जो प्रोसेस है आपको रिपीट करनी है, एक्टिविटी विद डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है, जैसे आपको क्या करना है, फ्रूट उनको देना है, फिर उसको आइडेंटिफाई करना है कौन सा फ्रूट है, वैसे ही आपको फ्लावर देना है, फ्लावर को आइडेंटिफाई करना है कौन सा फ्लावर है. आस्क देम टू आइडेंटिफाई अदर थिंग्स, और इसी तरह से आप उनको अदर थिंग्स देकर भी क्या कर सकते हो, उनको आप आस्क कर सकते हो कि
इनको आइडेंटिफाई आप कर सकते हो, लाइक शॉप, शॉप आप उनको दे सकते हो, शुगर, सॉल्ट, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा, आप क्या करोगे उनको देकर और पूछ सकते हो बाय टचिंग, टच करके गिव समथिंग लाइक फ्रूट्स, ठीक है, कुछ जैसे फ्रूट वेजिटेबल टू बी आइडेंटिफाइड बाय टेस्ट, ठीक है, और आप टेस्ट उनका जो उनको टेस्ट करके भी उनको आइडेंटिफाई आप कर सकते हो, डन, ओके, डन, इनफ फॉर टुडे, रिमेनिंग चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक यू.